Shrine Nursing Home Based Hospital and Medical Institute Hamza Collection तंदूर वाले। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाब के हुए ढाई महीने गुजर गए, लेकिन अब तक MIC और बोरो चेयरमैन का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। सोशल मीडिया में इसे लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। कांग्रेस रहनुमा और काउंसिलर SM मुस्तफ़ा और पीस इंडिया के चेयरमैन फिरोज खान ने भी जल्द से जल्द MIC या बोरो चेयरमैन के नाम का ऐलान करने की गुजारिश की। फिरोज खान ने कहा कि पानी, माइनॉरिटी, तालीम, हर डिपार्ट का अलग MIC मुंतखब होने के बाद लोगों की परेशानियां कम होंगी। वहीं SM मुस्तफ़ा ने कहा कि आम आदमी आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, आम आदमी वंचित है, जल्द से जल्द गठन हो जाने से आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए तकरीबन 2.5 महीने हो गए, लेकिन अब तक MIC बोरो चेयरमैन का गठन नहीं हुआ। इस सिलसिले में देखा गया कि सोशल मीडिया में आपने CM को भी पत्र लिखा, इस सिलसिले में क्या कहना? देखिए, आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गठन हुए 2.5 महीना हो गया, मेयर, 2 डिप्टी मेयर, चेयरमैन का भी नाम अनाउंस हो गया, मगर मेरे ख्याल से इस बार पहला बार ऐसा हुआ है कि अभी तक 2.5 महीना गुजरे हुए हो गया मगर MIC और बोरो चेयरमैन का सिलेक्शन नहीं हो सका, कोई भी नाम अनाउंस नहीं हुआ। इससे आम पब्लिक को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ये वार्ड काफ़ी बड़ा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक काफ़ी बड़ा एरिया में है, 106 वार्ड है, और इसमें इसके लिए क्या होता है कि अब लोगों को हर एक बात के लिए सिर्फ मेयर या डिप्टी मेयर को कांटेक्ट करना पड़ रहा है, और ये संभव नहीं है कि मेयर और डिप्टी मेयर की पूरा 106 वार्ड को संभाल पाए। वजह क्या है कि पहले क्या है कि वाटर का है, वाटर का एक अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा MIC, एजुकेशन का एक अलग हो जाएगा, माइनॉरिटी का एक अलग MIC, तो क्या है कि काम बच जाता है, लोगों को भी पता रहता है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, मुझे एजुकेशन के MIC को जाना है, ये हमारे एरिया के ट्रेड लाइसेंस और ये सब कुछ ज़रूरी काम है तो हम अपने बोरो चेयरमैन को पकड़ना है। तो मगर इसमें क्या हो रहा है कि आम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारा काम पेंडिंग है, जब वो म्यूनसिपल जाते हैं तो वो बोले ठीक है, ये जब चेयरमैन और MIC का नाम अनाउंस हो जाता है वो लोग अपने जो है ऑफिस संभाल लेते हैं, उसके बाद हुआ जाएगा। मगर क्या हो गया, मगर ये हो रहा है कि वो लोग ना ही ऑफिस संभाल पा रहे हैं, ना नाम अनाउंस हो रहा है, ना स्मूथली चल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे आसनसोल के डेवलपमेंट का काम भी रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों का, हर डिपार्टमेंट का काम रुका हुआ, और इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रहा है, इससे म्यूनसिपल का अपना मैनेजमेंट में भी परेशानी हो रहा है कि मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन के लिए ये संभव नहीं है कि सारा कुछ को वो मतलब उनके जो ऑफिस का आवर है 10 घंटा 12 घंटा जो भी है उतने आवर में वो सारे काम को देख ले, तो इससे सारा का सारा काम रुका हुआ है, आम लोगों को परेशानी हो रहा है। इसके लिए हम लोगों को ऐसा फील हुआ कि हम लोग जो है हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को हमने ट्वीट किया, क्योंकि वो पार्टी का सुप्रीमो है और वो डिसीज़न लेंगे इसमें, तो उन्हें हम लोगों ने बताया कि ट्वीट करके कि अभी तक इतने समय गुजरने के बाद MIC या बोरो चेयरमैन कोई भी जो है मुंतखब नहीं हुए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें कोई भी स्टेप लें ताकि ये जल्दी हो और आसनसोल में डेवलपमेंट का भी काम तेज़ी से बढ़े, आम लोगों को जो म्यूनसिपल के काम से रिलेटेड परेशानी हो रही वो परेशानी दूर हो। अच्छा, 2.5 महीने हो गया आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, अब तक कॉर्पोरेशन का बोर्ड नहीं बना, MIC का गठन नहीं हुआ, बोर्ड चेयरमैन का नियुक्ति नहीं हुआ, तो इस सिलसिले में क्या कहना? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इन लोगों को जितना जल्द से जल्द बोरो चेयरमैन बना देना चाहिए था, MIC बना देना चाहिए था, ताकि सब विभाग का जो अलादा अलादा होता है, हेल्थ का अलादा होता है, पानी का अलादा होता है, तो ये तमाम डिपार्टमेंट जो अगर यदि बांट देगा तभी तो आम आदमी को जो काम है, जो आम आदमी परेशान है, जैसे आज पानी का मसला लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसी तरीके से साफ सफाई का मामला है, उसी तरीके से हेल्थ का मामला है, इलेक्ट्रिक का मेंटेनेंस का, पोल मिस्ट्री लाइट का मामला थे, ये तमाम मामला जो है एक जगह से नहीं हो पाएगा, कोई भी आदमी को करना नामुमकिन है, 106 वार्ड है,
तो अगर विभाग को बांट देने में हर्ज का, ये हम लोग को आसनसोलवासी को हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग लाइफ में पहली बार ऐसा देख रहे हैं जो गठन नहीं हो पा रहा है। इसको इमिडिएटली गठन करना चाहिए ताकि आम आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेशन से लाभ उठा पाए। आम आदमी आज कहीं ना कहीं वंचित है। आम आदमी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि दिक्कत कहाँ पर है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि जिसका संख्या ज़्यादा होता है, कॉरपोरेशन में मेयर होता है, डिप्यूटी मेयर होता है, वो विभाग को बांटता ही है। हम लोग शुरू से देखते हुए हैं, मगर आज पहली बार ऐसा हो रहा, लग रहा है हम लोग को ही बांटना पड़ेगा विभाग को। क्योंकि देखिए, अगर विभाग नहीं बैठेगा तो आम आदमी का काम नहीं हो पाएगा। चिलचिलाती गर्मी रोज अपना कहर बरपा रही है। डॉक्टर निर्मल मांझी ने आज लोगों के लिए कुछ नुस्खे बताए। डॉक्टर निर्मल मांझी ने कहा कि ठंडा पानी ना पिए, तेल मसाला चीज़ों से परहेज करें, पानी पीते रहें। दरअसल टीएमसी नेता डॉक्टर निर्मल मांझी आज आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पहुंचे, वहीं हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातें की। दीदी का शेखा, यही गर्मेर मध्य एन कलकाय देखल प्राय 40+, एखने देखिए 42, अनेक समय 44-45 ভ্যারিয়েশন হচ্ছে। এই গরমে শিশুদের জন্য এবং যারা মধ্যবয়স্ক বয়স্ক বৃদ্ধ যারা, তাদের জন্য মেসেজ হচ্ছে আপনারা ঠান্ডা জল খাবেন, ফ্রিজের জল খাবেন, জল খান, পরিমিত আহার করুন, এবং আপনার ঝাল মশলা ভাজা জিনিস এবং ইয়ে জাঙ্ক ফুড ফ্রাইড ফুড এগুলো বেশি খাবেন না, তেলে ভাজা এগুলো খাবেন না, এবং যার মধ্যে জল আছে এইসব ফলের মধ্যে সেগুলো খান। তরমুজ খরমুজ থেকে আরম্ভ করে আপেল থেকে আরম্ভ করে বাজারের কাটা ফল খাবেন না। বাচ্চাদের কাছে নির্দেশ, তারা হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে, যেটা করোনায় আমরা শিখেছি, নিরাপদ দূরত্ব বিধি, মাস্ক পরা আর হাত সাবান দিয়ে ধোয়া। হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে যেন খাবারটা খান, সে মিড ডে মিলের খাবারই হোক বা বাড়ি থেকে টিফিন বক্সের খাবারই হোক। আর বাড়িতেও মা বাবারা যেন এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, আর স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা, কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসররা, যে তারা ঠান্ডা জিনিস ফ্রিজ থেকে নেওয়া খাবেন না, আইসক্রিম খাবেন না গরমের মধ্যে, এবং এই গরমের জল বেশি করে খাবেন, জল বারবার একটু একটু করে খান, এবং যখন মাথা ঘুরবে ইয়ে করবে মাঝে মধ্যে পারলে ইলেকট্রল গ্লুকোজ জল খান, না পেলে নুন চিনি জল খান, ডাবের জল খান, তরমুজ খান, খরমুজ খান, আপেল খান, সবেদা খান, সেগুলো ধুয়ে বাড়িতে কেটে খান, আর হাতে সাবান দিয়ে ধুয়ে খান। আর গরমের মধ্যে কালো বা একবারে যেগুলো খুব মানে ডার্ক কালারের পোশাক পরবেন না, লাইট কালারের পোশাক পরবেন, তাতে গরমটা কম হবে। ঢিলাঢালা পোশাক পরবেন, টাইট পোশাক পরবেন না। বাচ্চাদের যদি খুব অসুবিধা হয়, বমি হচ্ছে, পায়খানা হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাদের মানে ছেলেদের প্যান্টের বোতামটা আলগা করে দেওয়া, জামার বোতামগুলো আলগা করে দেওয়া, একটু পাখার নিচে একটু শুইয়ে দিন, একটু ঘাড়ের নিচে জল দিন, একটু হাত পা বা পাগুলো গাটা একটু ভিজে ন্যাকড়া, ভিজে টাওয়েল বা ভিজে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিন। এটাই যে আমাদের গরমের মধ্যে যেমন আমরা করোনাকে অতিক্রান্ত করতে পেরেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, করোনা ভাইরাসের প্রথম সংক্রমণ, দ্বিতীয় সংক্রমণ, তৃতীয় সংক্রমণ আমরা জয় করেছি। দিল্লিতে যদিও করোনার প্রকোপ বেড়েছে, করোনাতে মৃত্যুর হার অনেক বেশি, কিন্তু বাংলায় কিন্তু করোনা একবারে ঝিমিয়ে পড়েছে, একবারে মানে করোনা যে ভাইরাল লোড সেটা অনেক অনেক ভ্রিয়মান হ্রাস। আমার কলকাতা মেডিকেল কলেজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমি সেখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় টার্সিয়ারি কেয়ার মাল্টি সুপার স্পেশালিটি করোনা হাসপাতাল করেছিলাম, 1000 বেড এবং প্রায় 250 ভেন্টিলেটার, পালস অক্সিমিটার, সিস্টেমিক অ্যানালাইজার এবং ইকমো মেশিনের সমাহার। আমরা 16,000 মানুষকে ভালো করে বাড়ি পাঠিয়েছি। আমরা প্রায় 97 বছর বয়সে বৃদ্ধ লালমোহন সেট বটতলা থেকে আমি নিজে চ্যাংদোলা করে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে এসেছি, 2.5 মাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ভেন্টিলেটরে থেকে তাকে আবার যখন আমরা ওই হুইল চেয়ারে করে অ্যাম্বুলেন্সে আমি পৌঁছে দিচ্ছিলাম, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রশংসাপত্র, তার যে করোনা ওয়ারিয়ার হিসেবে তার যে সার্টিফিকেট এবং তার হয়ে ফুলের মালা, ফুল এবং পুষ্পস্তবক এবং একটা বই দিয়েছিলাম উপহার, তখন সারা বিশ্বের ট্যাবলয়েডে, সারা বিশ্বের প্রভাতী সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেটা প্রথম পাতায় প্রচ্ছদে দিয়েছিল। আমরা শিশুদের 2000 শিশুকে ভালো করে বাড়ি পাঠিয়েছি, মাত্র একজন মারা গেছে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রেডিট,
এটাই পশ্চিম বাংলা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গেম। আমরা নেতা নই, মন্ত্রী নই, বিধায়ক নই, সাংসদ নই, মেয়র নই, কাউন্সিলর নই, পুরপিতা নই, পৌরসভার চেয়ারম্যান নই, আমরা রাজ্যসভার সদস্য নই, লোকসভার সদস্য নই, আমরা দিদির একজন সৈনিক। স্বচ্ছতা, সততা, দায়বদ্ধতা, মানব সেবার অঙ্গনে উন্নয়নের কার্যে আমরা মানুষের সাথে মানুষের পাশে, সুতিকা গৃহ থেকে শ্মশান যাত্রা, কবরে দাফান অবধি আমরা মানুষের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস, শেষ দিন অবধি থাকবো। এটাই আমাদের দিদির মূল আদর্শ রূপায়ণের হাতিয়ার। आए दिन ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर सुनने को मिलती है। ऐसा ही वाकया वार्ड नंबर 83 आज़ाद नगर में भी रोनुमा हुआ। मकामी बाशिंदों ने वीडियो के जरिए ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर हमें दी। अभी देख ना काका फटेगा क्या, आग है सामने मत रहा। हाँ। सामने सटी ना बड़े पापा, सामने सटी है ना। मोहल्ला का ट्रांसफार्मर में आग लग गया, बहुत कड़ा आग, पूरा किसी बगल में, बहुत कड़ा आग है। उन लोग नहीं निकला घर का, देखिए। अल्लाह अकबर। तंदूर वाले अब बर्नपुर में भी चिकन की एक से बढ़कर एक बेस्ट आइटम्स, वो भी चीपेस्ट प्राइस पर। कंप्लीट हाइजीन विद एक्सेलेंस ऑन एवरी लेवल। चिकन लवर्स तो देर किस बात की, अब हो जाए तैयार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे शवरमा, चिकन कबाब, चिकन बर्गर, फ्राइड चिकन, चिकन पिज्जा, चिकन सैंडविचेस, चिकन इन ग्रेवी एंड रुमाली रोटी के कई वराइटीज। हमारा पता है बर्नपुर रहमत नगर अपोजिट ईदगाह। जोमैटो एवं स्विगी पर हम अवेलेबल है और दिए गए फोन नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके भी आप ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। तंदूर वाले के फेमस चिकन आइटम्स फ्रेंचाइजी के साथ साथ अब आपके घर पर भी। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहां आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोल्स, प्रेयर हिजाब, सूट, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शन। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी, पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फर्स्ट शाइन नर्सिंग होम रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहां 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड बर्नपुर पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7,
डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दर पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आने वाले 30 आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से ईदगाह स्कूल मैदान में इज्तिमाई इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया जाएगा। आज डिप्टी मेयर वसीमुल हक और सैनिटरी डिपार्टमेंट के ओसी ने ईदगाह स्कूल का जायजा लिया। वसीमुल हक ने कहा कि आइंदा ईद और इफ्तार पार्टी के लिए मोइना की गर्ज से आज हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग आए थे एक कि ईद के दिन ईद उल फित्र का नमाज यहाँ होगा, दूसरा जो है 30 तारीख को आसनसोल कॉरपोरेशन के जानिब से शनिचर के दिन यहाँ पे इज्तिमाई इफ्तार का इंतज़ाम किया गया है। तो इसमें इफ्तार का इंतज़ाम हो, साफ़ सफाई ये ईद के लिए और इफ्तार के लिए भी देखने आए थे, और जो इंतज़ाम होंगे उसका जो है हमारे सैनिटरी डिपार्टमेंट के ओसी साहब अबू जफर साहब भी हैं, डिप्टीगेटर यहाँ काम करेगा वो भी सब साथ में है, जो इंतजाम हो उसको देखने के लिए आए थे। इन्हें इफ्तार का इंतज़ाम में लोगों के लिए इफ्तार का जगह, फिर नमाज़ अदा करने के लिए जगह, ये सब आइडेंटिफाई, और दूसरा जो है ईद के दिन जब ईद उल फित्र का नमाज़ हो उसके लिए ईदगाह का जो सफाई है वो भी देखने के लिए। तकरीबन कितने लोग, तकरीबन 4,000 से 5,000 लोगों का यह उम्मीद है कि होगा जो हर साल होता था। ठीक।
দেখা করতে আর প্রথম দিন সেই এসে দাদার সঙ্গে দেখা করলাম। আমরা গোষ্ঠীর জন্য এসেছি এখানে, ঠিক আছে, ভট্টরিয়া 57 নম্বর ওয়ার্ড থেকে, ভট্টরিয়া হরি মন্দির, ওইখান থেকে আমরা 13 জন মিলে একটা গোষ্ঠীর জন্য এসেছি এখানে। সেই জন্য আমরা দাদার সাথে একটু দেখা করলাম, আলাপ আলোচনা করলাম, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। নাম মমতা চক্রবর্তী। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए, हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें, सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।